dynamic success the junior college enter to win masters in mpc and bypc ye sirf mere sath hua hai main wo jo logon ko takriban log jante hain mere ko mere sath jab ye amal hua hai to aam public ke sath ye police wale kya ravaiya ikhtiyar karte honge home minister sahab se to nahi kehta main kya main home minister sahab se kahun ki unhon kya home hai na minister hai unhon मौलाना जो एक मोतबर शख्सियत है हैदराबाद मौलाना मोतबर करके है कि मौलाना क्या बोल रहे हैं बैन सुने मौलाना के क्या बोल रहे हैं मौलाना क्या बोले मेरे को बोल रहे हैं होम मिनिस्टर डिम्मी है ठीक है बोले तो बोले कोई बात नहीं जी बोलिए हमारे मुंह से कहते हैं आखिरी वक्त में कहते हैं केसीआर की तारीफ ऐसे मौलाना है कहाँ की डिग्री है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ालते हैं आज की एक अहम खबर पर। पिछले कई दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि हमारे हैदराबाद की जानी मानी हस्ती मौलाना जाफर पाशा को अफजलगंज की पुलिस ने रोका है। लॉकडाउन के दौरान यानी लॉकडाउन का टाइम खत्म होने भी दो मिनट बाकी थे, उसी के बीच जो है जाफर पाशा को अफजलगंज की पुलिस रोक लेती है और उनको बहुत देर तक वहाँ पर बिठा देती है। फिर उसके बाद ये न्यूज़ वायरल होती है। फिर उसके बाद शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ जानी मानी हस्ती लोग जो है अपना अपना एक बयान देते हैं क्योंकि मौलाना जाफर पाशा के साथ नाइंसाफी हुई, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की पुलिस डिपार्टमेंट। फिर आइए उसके बाद जो है महमूद अली साहब को एक साहब कॉल करते हैं और हमारे आली जनाब होम मिनिस्टर महमूद अली साहब कहते हैं कि ये कैके मौलाना है, होम मिनिस्टर का अदब कदर भी नहीं जानते, होम मिनिस्टर को जो है जो मुंह आया बोल लेते हैं, इस तरह से महमूद अली साहब ने कहा था। वहीं पर फिर जाफर पाशा क्या कहते हैं, हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर क्या कहते हैं, ये दोनों की खबर भी हम आपको दिखाएंगे। फिर इसके बीच में जो है टीआरएस के एक कायद है राशिद शरीफ जो कि हैदराबाद के कॉन्टेस्ट एमपी है, वो इन दोनों के ताल्लुक से क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। जो कुछ मेरे साथ अफजलगंज के पुलिस अहदेदारों ने बदतमीज़ी की, दो को कुछ वो चार मिनट कम ही थे कि मैं नए पुल पे पहुंच गया। नए पुल पे दो रास्ते बनाए गए हैं, दो रास्तों पर दो साहिबीन ठहरे हैं। एक रास्ते पर तो जो उनको समझ में आते हैं उनको छोड़ा जाता है और जो दूसरे रास्ते पर है वो सीधा जाके उस्मानिया दवाखाने के पास जो उनका ऑफिसर ठहरता है वहाँ जाकर उस गाड़ी को रुकाया जाता है। जब मेरे सामने से दो गाड़ियाँ गुजर गई तो मैंने कहा कि देखो भाई तीन मिनट काफ़ी है, तीन मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा, मेरा घर पंजेशा में है। तो कहा नहीं आप इधर से जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे सुबह गाड़ियाँ आज इधर से जा रही, मुझे भी उसी रास्ते से जाने दीजिए। मगर मौजूदा हालात में मैंने देखा कि पुलिस वालों के अंदर भी एक शर छुपा हुआ नज़र आया और वो शर मेरे जितने वहाँ देर ठहरने पर इंस्पेक्टर या वो जो मौजूद था उसने जो अमल किया है उससे मुझे मालूम हो रहा था कि वो एक ही मज़हब के लोगों पे निशाना बना रहा है। मुझे हैरत ये होती है कि ये चेक पोस्ट हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए या हमारे से लूटम लाट के लिए बनाए गए। हमारे कमिश्नर साहब हमारे को इतनी मीठी मीठी तकरीरें करते हुए अपने तरफ मायल करते हैं लेकिन उनके होदेदार जो ठहरे हैं जिम्मेदारी लेकर वो जाहिलों से भी बदतर है। और मैं जब उनसे मुलाकात करने के लिए करीब गया और जाकर मैं अपना तारुफ पेश करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने मेरे तारुफ को भी सुनने से मना कर दिया। मैंने कहा मेरे पास पास भी है मगर वो कहा नहीं आप ठहरिए, कोई बात आपसे करनी नहीं है। और फिर बलाला साहब भी वहाँ फ़ोन किए तो उनके सामने भी यही कम वक्त ने कहा है कि बहुत कुछ इन्होंने कहा, मना कि मेरे साथ मौजूद लोग मौजूद थे वहाँ। मैं उनको सिर्फ यही कहा आके कि भाई मेरे पास भी है, मैं अपनी गाड़ी में आज नहीं निकला हूँ, मेरे पास अचानक मैं निकला था, एक दूसरी गाड़ी में मैं आया हूँ, मेरे को आप छोड़ दीजिए, मैं पंजेशा बया हूँ। मैं इतनी बात पे बस ये कह रहा है कि मेरे से बहस करे, ये बहस है ये कोई, मैं अब तक ये बात को मानता नहीं था लेकिन आज मैं मानता हूँ इस बात को कि कई लोगों को मेरे सामने ऐसे लोगों को छोड़ा गया जो हमारे तबके के नहीं थे। लेकिन जितनों को वहाँ मैं नामा बोलते हुए सुना हूँ वो तकरीबन 60% अपने लोग थे। मुसलमान गैर मुस्लिम का जितना झगड़े हैं ना ये हमारे पुलिस वाले छवा दे रहे हैं उसको।
और ये पुलिस वाले हवा दे रहे हैं। जी कल वो जो अफजलगंज पे मौलाना के साथ जो वाकया पेश आया, क्या बात, वहाँ के पुलिस स्टेशन पे जो है 4 मिनट रहने के बावजूद भी रुका के मौलाना को गाड़ी से उतार, टाइम नहीं रहता, सब गलत बात है। टाइम होने के बाद 2 बजे से पहले कहीं नहीं रुकते जी, कोई ओवर स्पीड जा रहा तो रुकते, कोई ज्यादा ब्रांच से आ रहा तो रुकते जी, टाइम होने के बाद ही रुकते, टाइम से पहले किसी को नहीं रुकते। तो नहीं, मौलाना जो एक मोतबर शख्सियत है हैदराबाद, मौलाना मोतबर का ही है जी। मौलाना क्या बोल रहे हैं, बयान सुने मौलाना का, क्या बोल रहे हैं मौलाना, क्या बोले, मेरे को बोल रहे हैं होम मिस्टर डिम्मी है, ठीक है बोले तो बोले, कोई बात नहीं। फिर होम मिनिस्टर केसीआर साहब की तारीफ करते, हम जिस पार्टी में रहते हैं हमारे सीएम की तारीफ करना ही पड़ता, काम पड़ता सही, बेशक सही है आपकी तो बात, सुनो सुनो मुसलमान तो सुन लो जी, बोलिए। हमारे मुंह से कहते हैं आखिरी वक्त में कहते हैं केसीआर की तारीफ नहीं करते, ऐसे मौलाना है, कहाँ की डिग्री है उनके पास, सही है आप, तकलीफ हुई उनकी जो पुलिस वाले उनके साथ जी, बोलिए, सुन लो पहले बात सुन लो जी, कोई भी कलमा नसीबो बोलते मुसलमान को मुसलमान जी, हमारे को बोल रहे केसीआर साहब की तारीफ निकली गए थे आखिरी टाइम पे, और हमको डिम्मी करके तुम कमिश्नर, नहीं नहीं, अल्लाह ने आपको जो एक बड़ा मकाम अता फरमाया, अल्लाह जो है ना आपको इज्जत दी है, इज्जत देना ना उन्हें भी इज्जत देना ना, बेशक बेशक सही है, लेकिन जो है वो जो पुलिस ऑफिसर है उनके साथ बड़ा हो रहा है, आसानी से बन सकते होम मिनिस्टर, नहीं नहीं बन सकते, बन जाते, उनके पास काय की डिग्री है, काय की आलिम है, बाबा अखिल साहब थे बहुत बड़े आदमी जी, उनके खुद साले भावने हमारे पास उर्दू अकेडमी में बैठे हुए हैं चेयरमैन बन के, और हमारे को बुरा बोलते हो ना, नहीं तकलीफ होने के बाद जो है बोले होंगे उनको जो है ना, मेरा क्या क्या, मैं कांस्टेबल के साथ रहता हूँ, नहीं 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 है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग के मौलाना को जो है ना, तो ऐसे कैसे मौलाना जी जबान अच्छी नहीं है तो वो कहेगा मौलाना रहता, आप ही सोचो एक मुसलमान को आपको मैं बोला कलमा नसीबो बोलूं, मैं आपको आज कुछ तो भी बोलूं, आप जो ये बोलो बोल के, नहीं नहीं आज अगर ये उलमा के साथ करे दोबारा जो है दूसरे उलमा के साथ भी जो है कर सकते हूँ, नहीं होता सब उलमा समझदार रहते, टाइम के बाद आ जाते, ये जाहिल उलमा है आलिम साहब है, इन्हों की हमारे बारे में बुरा बोलते है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम राशिद शरीफ है, मैं TRS कॉन्टेस्टेड MP हैदराबाद। आज जो महमूद अली साहब का और मौलाना जाफर पाशा का जिस हिसाब से वायरल कर रहे हैं लोग, कई लोग मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं, कई मीडिया वाले मेरे को फ़ोन करके बोल रहे हैं, साहब आपका इसमें एक बाइट लेना है, हम आना चाह रहे हैं। मैं ख़ास करके मीडिया से और जितने भी इस टाइप जो ये इशू को बढ़ाना चाह रहे हैं, कई मौलानाओं के तरफ से भी बयान आता रहे, मैं आप तमाम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मसले को ज़्यादा तूल मत दीजिए, ये मसले को ज़्यादा हवा मत दीजिए, इसमें तेल डालने का काम मत कीजिए। जो पुलिस उनके साथ की, मैं बिल्कुल इसकी मजम्मत करता हूँ, और जाफर पाशा से, मौलाना जाफर पाशा से मैं खुद मिल के इसके बारे में बात करूंगा और माजरत चाहूंगा। मैं ये तो घर का मसला है, आपस का मसला है, अब जो रहा महमूद अली साहब का सवाल, महमूद अली साहब आज मैं भी देखता हूं, हर कोई कोई एक होम मिनिस्टर है, हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर है, उन्हें हर एक को इज्जत करना चाहिए, हर एक को इज्जत करना चाहिए। आज कोई उठा के उनको इमाम जामिन का मिनिस्टर बोल देता, आज कोई उनको फलाना, भाई कई ऐसे बातें हैं, रबर स्टैम्प है वो, कोई बोलता है कि उनके जिस्म में ऐसा है, गोबर की बो आ रही है, तो ये बिल्कुल अपने को जेब नहीं देता। ये खासकर मुसलमानों, एक मुसलमान होने के नाते दूसरे मुसलमान की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। आप अब काम की बात, ये काम नहीं हुआ, मस्जिद का फाउंडेशन नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी में बोर्ड हटा दिया गया, नेकलेस रोड का नाम नरसिम्हा राव रख दिया गया, 12% की बात, वक्फ बोर्ड की बात, मेट्रो की बात, रेस कोर्स की बात, वहाँ से हटा के रेस कोर्स है, सो IT हब बनाने का, ये सब बिल्कुल सही है। अगर आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इस तरीके से CM के बारे में बात करेंगे, इस तरीके से होम मिनिस्टर के महमूद अली साहब के बारे में बात करेंगे, तो ये काम मुमकिन हो सकता,
ये बातें करके हम उनके पास जा सकते हैं, सीएम के पास जा सकते हैं, ये इश्यूज लेके बात कर सकते हैं अपन क्या सर? आज हमारे पास इतनी बेहतरीन ताकत है, खासकर तेलंगाना में हमारे पास एक एमपी हैदराबाद एमपी बेइंतहा सलाहियत रखने वाला, बेइंतहा स्मार्ट आदमी, बैरिस्टर है माशाल्लाह, बेहतरीन 26-27 साल का एक्सपीरियंस है, 26-27-28 साल से पावर में है। आज उनके बारे में उन्हों बी टीम है, उन्हों फलाने से मिले, बीजेपी से मिले हुए हैं, उन्हों है सो फलाने स्टेटों में घूम रहे हैं, यहाँ पे नहीं देखते, पानी आ जाता यहाँ नहीं रहते, कोरोना का चल रहा यहाँ पे है सो नहीं करते, ये सब बातों की वजह से उन्हों के दिला है सो जिस हो जा रहे, इस वजह से वो हैदराबाद छोड़ के पूरे स्टेटों में फिर रहे। आज अगर हम ये 12%, ये वक्फ बोर्ड, ये मसाजिद के जितने भी इश्यूज है, मेट्रो के है, अगर हम माइनॉरिटी के जितने मुस्लिम्स हैं, जितने जमाते हैं, तबलीगी जमात, सुन्नत जमात, अहले हदीस जमात, इस्लामिया, जमीयतुल उलमा, ये सब और पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओस, क्यों ना हम दारुस्सलाम जाते? खामी हम में है, उनमें नहीं है खामी, हम में हम काम नहीं करा सकते, हमारे में सलाहियत नहीं, हम खाली घर में बैठे फेसबुक डाल दिए चार अल्फाज बोल के, व्हाट्सएप पे चार अल्फाज बोल के किस्सा खत्म, हाथ धो दिए हमारा काम हो गया, वो नहीं है मेरे भाई, ये आपका काम बिल्कुल नहीं है, उल्टा काम आप खराब कर रहे हैं। आप हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब को लेके उनके सामने मसाइल रखे, साहब आप हमारे एमपी है, कायदे नकीब मिल्लत है, आप उनको छोड़ो मत, आप उनको फ्री मत करो, आप पूरे जितने भी नामा लिया में उन सब मिलके चलो दारुस्सलाम, साहब आप हमारी पार्टी से अलायंस है, आपका एआईएमआईएम टीआरएस का अलायंस है, साहब निकलेस रोड नरसिम्हा राव के नाम पे पड़ा, चलिए जरा साहब उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लोगों निकल गया, चलिए जनाब 12%, चलिए जनाब, ये सब अगर अपन है सो मिलके अगर इन पे है सो दबाव डालेंगे तो ये काम होता। आप इन्हीं के खिलाफ भी टीम है, बीजेपी से मिली हुई है, वो फलाना है, करता आदमी काम होता काम। जर्मन टेन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन, एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन टेन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद।